यस यस स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़े थे काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम ये जो काइंड्स ऑफ नाउन है इसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे और प्लस के हम इसमें आज ये पढ़ेंगे कि इनके यूजेस कैसे होते हैं या इनके टाइप्स क्या होते हैं वो। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाना चाह रही हूँ जो हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था पहला कॉमन नाउन पढ़ा था, उसके बाद हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, मटीरियल नाउन पढ़ा था एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन के काइंड्स हैं, ये हमने पढ़े थे। इसमें से हम वेरी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन नाउन को समझेंगे वो क्या है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉमन नाउन, इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरीके के लोगों या वस्तुओं को दिया गया नाम है कॉमन नाउन। ठीक है, जो या तो फिजिकली एक जैसे दिखते हो, ठीक है, अपीरियंस में एक जैसे हो, या जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हो, या जिसमें गुणधर्म में एक जैसे हो, ऐसे व्यक्ति या वस्तु को जो नाम दिया जाता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, रोहन इज अ हैंडसम बॉय। ठीक है, रोहन क्या है भाई, बॉय है। तो जितने भी बॉय हैं उनके लिए हम, जो लड़के हैं उनके लिए हमने कॉमन नाउन इस्तेमाल किया बॉय। ठीक है, जो मेल जेंडर है उनके लिए। तो यहाँ पे ये जो हमने हाईलाइट किया है वो है इसमें कॉमन नाउन। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैनी पीपल जो नॉट ईट बनानास। ठीक है, यहाँ पे हमने हाईलाइट किया पीपल। पीपल वर्ड जो है हम जनरली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के लिए, जो लोग होते हैं उनके लिए पीपल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कॉमन नाउन के, ठीक है, जो कि हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गर्ल हो गया, वो भी एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से बच्चों हम कॉमन नाउन को डिफाइन कर सकते हैं। वापस देखते हैं एक बार, इट इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरीके के लोगों या वस्तुओं को दिया गया कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे ट्री, ट्री भी कॉमन नाउन में आ सकता है क्योंकि जितने भी प्रकार के पेड़ होते हैं हम सबको ट्री नाम देते हैं। नो डाउट उनके नेम्स अलग अलग होते हैं लेकिन कहलाते वो ट्री है, तो ट्री भी कॉमन नाउन है। फ्रूट, वो भी कॉमन नाउन है क्योंकि जितने भी फ्रूट होते हैं हम सबके लिए कॉमन नेम इस्तेमाल करते हैं फ्रूट। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन नाउन हम लोग समझ सकते हैं। यस बच्चों, नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट काइंड जो है वो है प्रॉपर नाउन। क्या कहता है प्रॉपर नाउन, इसका नाम जो है वही हमें बताता है। प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष को दिया गया नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं हम, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर यानी खास तरीके का पर्सन प्लेस और थिंग, किसी खास व्यक्ति वस्तु जगह को दिया गया नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। एक खास बात आपको बच्चों नोट करनी है और हमेशा के लिए उसे याद रखना है, वो क्या है कि प्रॉपर नाउन शुड बी रिटन ऑलवेज विद कैपिटल लेटर। उसकी जो शुरुआत होती है, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है प्रॉपर नाउन का, वो हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है बच्चों, एज यू कैन सी इन द एग्जांपल, ताजमहल इज इन आगरा। आई हैव रिटन टी कैपिटल, आई हैव रिटन ए कैपिटल ओवर हियर। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी जो प्रॉपर नाउन के जो नेम होते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा वाक्य के बीच में भी आपको उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल है हमारे पास ताजमहल इज इन आगरा। यहाँ पे मेरे पास दो प्रॉपर नाउन के, ये है ताजमहल, ठीक है, ये वस्तु का नाम है या वस्तु का नाम है, और आगरा ये प्लेस का नाम है। तो दोनों को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और दोनों प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, राकेश इज माय बेस्ट फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली। राकेश मेरा परम मित्र है जो दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो मैंने राकेश जो है वो प्रॉपर नाउन है, मैंने इसका आर भी कैपिटल लिखा है और इसको हाईलाइट करके आपको दिखाया कि ये प्रॉपर नाउन है। और हियर आई हाईलाइटेड दिल्ली, दिल्ली को मैंने हाईलाइटेड किया है। ठीक है बच्चों, दिल्ली को हाईलाइटेड किया है जिसमें हमें दिख रहा है कि दिल्ली जो है वो एक पर्टिकुलर जगह का नाम है ना, हमारी कैपिटल भी है बच्चों, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो उसको मैंने हाईलाइट किया है। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी थी बच्चों, एक तो कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन। आप इसकी डेफिनेशन बोर्ड पे से नोट डाउन कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।